what should be our approach to the non-Muslims in the team or project who always make fun of our things like beard, wearing pants above ankles? ठीक है, आप हंसें, कोई मसला नहीं। अगर आपकी दाढ़ी पर, आपके टखनों से ऊपर पहनने पर वो हंसता है, तो आप कहें ठीक है, तुमको पसंद नहीं, मुझको पसंद है। और आप उसको बताएं कि आपकी कुछ चीज़ें मुझको पसंद नहीं हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी जी सकते हैं ना, अगर एक दूसरे की कोई चीज़ पसंद नहीं है। और अगर आप इसका मजाक उड़ा रहे हो, अगर दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो, तो आपको साधुओं का भी मजाक उड़ाना पड़ेगा और आपको जीसस का भी मजाक उड़ाना पड़ेगा अगर क्रिश्चियन है। तो जितने भी दुनिया में थिंकर्स और बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वो पहले आम तौर से दाढ़ी वाले ही होते थे। यहाँ तक कि बादशाह भी दाढ़ी वाले हुआ करते थे। दाढ़ी आदमी के लिए उसकी आइडेंटिटी है, औरत को दाढ़ी नहीं आती है। आप शेर का पूरा दाढ़ी मूंड दीजिए, देखिए तो खूबसूरत दिखता है। लायन जो होता है, आप उसको निकालो, देखो कैसा दिखता है। तो अगर कोई मजाक उड़ाता है आपका, अगर कोई मजाक उड़ाता है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जो आदमी जिस एक आदमी देखे आपके पास कार है और मजाक उड़ाना शुरू करे, आप क्या करेंगे? अब मतलब कार पे मजाक उड़ा, बेवकूफ़ है ये तो आदमी, मेरे पास कार है, इसके पास साइकिल है, वो मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे पास कार है, मेरे पास साइकिल है, उड़ाने दीजिए। उसको समझ रहा नहीं है क्या हुआ, मतलब वो खुद समझ रहा नहीं, तो आप क्या करें? आप भी हंसेंगे उसके ऊपर, बोले क्या करेंगे, तेरे पास साइकिल है तो उस पर उसकी वजह से कार का मजाक उड़ा रहा है, तो मेरे पास दाढ़ी, तेरे पास नहीं है, अब क्या करोगे? तेरे पास नहीं है, आप उसको बोले तेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ अभी? वॉट इज़ दी एक्चुअल? बाद वक्त ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है, वो खैर है, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम उसमें डाउट करना शुरू करते हैं कि खैर है कि नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हुआ और कोई आदमी मजाक उड़ाए आपका, कितना पैसा तेरे पास, बहुत हंस रहा हंस रहा हंस रहा, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कुछ तो गलत है मेरे पास, ले जा तू, या दफन कर देंगे, जला देंगे। आप बोलेंगे पागल कहीं का, तू भी कमा, तेरे पास नहीं है तो उसको इस पर हंसना चाहिए।